हाय, आई एम डॉक्टर अजयराम और आज मैं आपको वैजाइनाइटिस, जिसे हम हिंदी में यौनी इन्फेक्शन या यौनी संक्रमण कहते हैं, तो आज का टॉपिक है वैजाइनाइटिस, यौनी संक्रमण। तो यौनी संक्रमण जो है वेजाइना में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के साथ सूजन हो जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये जो है प्री पुबर्टी एंड मेनोपोज में ज्यादा पाया जाता है, और ये रिप्रोडक्टिव एज जैसे मिडल एज में भी पाया जाता है। तो ये जो है वेजाइनल फ्लोरा जो है, जिसे हम लैक्टिक बैसिलस बोलते हैं, वो वेजाइना के पीएच को मेंटेन करता है, जो वेजाइना में एसिडिक होती है उसको मेंटेन करता है। तो नॉर्मल जो वेजाइनल पीएच है वो 3.8 से लेकर 4.2 तक होता है, और ये जो वेजाइनल पीएच है या फ्लोरा है, वेजाइनल फ्लोरा, ये इन्फेक्शन को रोकता है, जिससे वेजाइना में या योनि में इन्फेक्शन बहुत कम होता है। और इस ये क्यों होता है, किस वजह से होता है ये इन्फेक्शंस, जैसे इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ज्यादातर रिलेशन बनाने से, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, या ईस्ट इन्फेक्शंस, या कभी कभी यूटीआई यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, और कम पानी पीने से, या ज़्यादा लोगों से रिलेशन बनाने से, या फिर हार्मोन के इम्बैलेंस होने से, जैसे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन्फेक्शन है वो इन ये हार्मोन है वो कभी ऊपर नीचे होने से, और सोशियो इकोनॉमी कंडीशंस होता है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, या फिर उनको अच्छा पानी नहीं मिलता है पीने को, या फिर गरीबी में रहते हैं, और फिर होता है प्रेगनेंसी, ये रिस्क फैक्टर है, जैसे प्रेगनेंसी हुआ, एज हुआ, एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं या उनका उम्र में, या फिर वो मालाडी या कुछ ऐसी मेडिसिन खाती रहती हैं उसमें भी, एंड मेनोपॉज, तो जो ये कंडीशन हो, जब पीरियड बंद हो जाता है, एंड कुछ इन्फेक्शन तो बता ही दिया मैंने, हार्मोनल इम्बेलेंस बताया, सोशो इकोनॉमी, और उसके बाद में जैसे गर्भमुख में इन्फेक्शन होने से, ये कुछ कंडीशन होता है जिसके वजह से ये इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, बड़े सिम्टम्स हियर, तो योनि में खुजली होती है, योनि में खुजली है, डिस्कम्फर्ट है, जिसे वेजाइना में कुछ फील रहता है, वाइट डिस्चार्ज है, या फिर ब्लीडिंग होती है, वेजाइना में ब्लीडिंग होती रहती है, वाइट डिस्चार्ज हुआ, या फिर जो गंदा इन्फेक्शन निकलता है, और कभी कभी खुजली होती है, जलन सी होती है, एंड डिस्कम्फर्ट फील होता है, और उसके बाद में रिलेशन बनाने में भी दर्द होता है, इचिंग बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, खुजली होती। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है वेजाइनाइटिस के या इन्फेक्शंस के। अब इसका मेन है इसका ट्रीटमेंट, तो पहले हम बोलेंगे ये गर्भकोश है, ये है गर्भमुख जिसको हम सर्विसाइटिस बोलते हैं, सॉरी सर्विक्स बोलते हैं, ये है यूट्रस जिसे हम गर्भाशय बोलते हैं, और ये रहा वेजाइना जिसे हम योनि बोलते हैं। तो इधर जो है साइड साइड में इन्फेक्शन या सूजन होता है, जिसे हम योनि संक्रमण बोलते हैं। और इसका इलाज क्या है, इलाज जो इसका चिकित्सा या ट्रीटमेंट जो भी है, ट्रीटमेंट जो है उसमें है आपके डॉक्टर के द्वारा दिए गए एडवाइस एंड ट्रीटमेंट को प्रॉपर रूप से सेवन करें, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और लोकल क्रीम लगाने के लिए वेजाइना में, एंड बी वॉश यूज करिए जो वेजाइना के पीएच मेंटेन करें, उसके साथ में आप पानी बहुत ज़्यादा पिए, साफ सफाई रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, और ट्रीटमेंट लेते समय रिलेशन ना बनाएं, अल्कोहल या कोई स्मोकिंग ना करें, उसके साथ में हमेशा प्रोटेक्ट सेक्स करें, जैसे कि कॉन्डोम यूज करें, या फिर ज़्यादा लोगों से रिलेशन ना बनाएं,
और ज्यादातर हरी साग सब्जी और पानी ज्यादा पिए। तो ये रहा ट्रीटमेंट, और प्लीज ऐसे वीडियोस को शेयर करें तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, तो लोगों को ज्यादा जानकारी मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।